हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी, आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ का पूजा कर रहे हैं, आज शनिवार है, मतलब कि शनिवार को किसका पौधा है ये तो मुझे पूरा पता नहीं है, पर यहाँ पूजा करते हैं। इसमें कहा जाता है कि जितना मतलब कि पौधा बढ़ता है उतना परिवार बढ़ता है। ये लगा हुआ हो गया 10-11 साल हो गया मेरे यहाँ, छोटा सा था एकदम से, आज बहुत बड़ा हो गया है। शनिवार को इसमें हम लोग पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, दिया सरसों तेल डाल के फिर दिया जलाते हैं। फिर संडे में इसमें पानी मतलब जल नहीं दिया जाता है, केवल तुलसी जी में भी नहीं देते, इसमें भी नहीं देते हैं। सैटरडे में पूजा होता है इसका। उसके बाद आज अमावस्या है तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्या क्या अमावस्या का भी जोत लेते हैं हम लोग, उसी के लिए मैं जोत के लिए तैयार कर रही हूँ। ये गोबर का जो बना हुआ होता है उसी को मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं तैयारी कर लेती हूँ। मतलब अंदर का साफ़ सफाई मैंने कर दिया है जहाँ मैं जोत लूँगी वहाँ। अभी यहाँ से मैं सब चीज़ जो मुझे लगेगा वो ले कर जाऊँगी। प्रसाद भी मैंने ले लिया है, मैं दुकान से प्रसाद ले लेती हूँ। यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दिया है, क्या कि पूजा करने के बाद सब कोई चाय पियेंगे, पहले पूजा करेंगे, जोत लेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। उतना देर में मेरा चाय बन जाएगा। अभी पहले प्लेट को अंदर रख के आऊँगी, उसके बाद मैं इसको, इसका मतलब यही है कि मैं इसको देख रही हूँ कि बना है कि नहीं। जैसे इसमें धुआं निकल रहा है तब ये नहीं बना है, निकला बंद हो जाएगा तब ये बन जाएगा। अभी लगभग ये बन गया है, मैं इसको अंदर ले कर जाऊँगी। यहाँ देखिए हम लोग का पूजा हो गया है। पूजा करते समय मतलब कि कोई नहीं था, क्या कि हम दोनों बैठ के जोत ले रहे थे। अभी पीयूष के पापा यहाँ धूप जला रहे हैं। ये हो गया मेरा नाश्ता, बन भी गया है। मतलब ये है कि सुबह सुबह सबका यही है, तो यही पीयूष के लिए मैं निकाल रही हूँ। आलू गोभी का सूखा सब्जी मैंने बनाया है, जैसे ये पानी में नहीं, पानी नहीं डालती हूँ इसमें, मैं तेल में इसको ढक ढक के पका लेती हूँ। अच्छा लगता है चावल के साथ भी, रोटी के साथ भी। आप पराठा बना दिया, आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। ये है मिर्ची जो बीच में तवा पे मैं बीच से चीरा लगा के छोक देती हूँ, ऊपर नमक डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी अच्छा नहीं लगे तो ये सबसे बेस्ट है। ये मेरा नाश्ता है, आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। सब्जी, रोटी और मिर्च है जो मैंने अभी, यहाँ देखिए लक्की सेब काट रहा है, क्या कि इसको खाने का मन होता है तो ये अपने से काट लेता है और सबको बांट के फिर खाता है। यहाँ काट लिया है, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ सेब काट रहा है। मतलब कि बहुत बच्चों का होता है कि अपने से नहीं करते हैं, मेरे बच्चे ज़्यादातर काम अपने से कर लेते हैं। बहुत जगह मैं देखती हूँ कि पानी भी मम्मी देती है तभी बच्चे पीते हैं, पर मेरे यहाँ उतना नहीं है। अभी सेब काटा है तो प्लेट में लगा के ये सबको बांटेगा, सबको देगा, मतलब मम्मी को, पापा को, माँ को, भैया को, भैया तो है नहीं, भैया तो स्कूल गया हुआ है, अपने भी खाएगा बैठ के। आज यही है कि सेब काटने के बाद ये सीधे पढ़ने बैठेगा, टीवी नहीं देखेगा, स्कूल से ज़्यादा मिला होगा काम करने के लिए तो सीधे पढ़ने के लिए बैठेगा सेब खाने के बाद। काला नमक डालने के बाद अच्छा लगता है सेब खाने में। हेलो फ्रेंड्स, अभी 12 बज रहा है। लक्की आज टीवी नहीं देखा है, सीधे पढ़ने बैठ गया है, अच्छा बच्चा बन गया है ना, अच्छा बच्चा बन के तैयार है। आजकल तो फ़ोन से पढ़ाई होता है, फ़ोन में पढ़ाई चला हुआ है। नाश्ता इसका स्कूल से आते ही हो गया था। यही है कि रोटी नहीं खाना चाहता बच्चा को, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे बच्चों को, रोटी बिल्कुल नहीं खाना चाहेगा। अभी सेब काट के खाया है, अपने भी खाया है, सबको भी दिया है, मुझे भी दिया है। नाश्ता तो हम लोग 11:15 आते ही ये स्कूल से आया, हम लोग का पहले सबका हो जाता है, फिर लास्ट में मेरा होता है, मैं इसका इंतज़ार करती हुई आता है तब होता है। अभी मैं खाना, वही है, दाल मेरा बन गया, चावल बनाऊँगी, सब्जी सुबह जो मैंने आलू गोभी का सूखा सब्जी बनाया वो चावल के साथ हो जाता है। चावल बनाने में भी अभी टाइम है, अभी तुरंत नहीं बनाऊंगी, क्या क्या अभी तो दुकान में, पीयूष के पापा बाज़ार जाएंगे तो दुकान में जाना है। मैं दुकान, मेरा लक्की का क्या है, ये कोई भी काम करेगा गाना गा के करेगा, अगर पूजा भी करेगा, अगर रियल पूजा इसका मैं कभी आपको दिखाऊं तो आप भी सुनेंगे, ये गाना गाते रहेगा आप पूजा करेगा, खाना खाते रहेगा, सॉरी
खाना खाते रहेगा, गाना गाते रहेगा। अब पढ़ाई भी कर रहा तो दिखाऊंगी आपको, गाना गाते गाते करेगा हर काम। बहुत मतलब कि दिन भर इसका चालू रहता है। मेरे बगल में आंटी जी अंकल जी सुनते रहते हैं, खूब खुश होते हैं इसका सुन के। अब आपसे बात नहीं कर सकती क्या कि इसका शुरू हो गया, बोलूँगी तभी एक मिनट भी शांत नहीं रह सकेगा। ठीक है चलते हैं दुकान में, उसके आने के बाद मैं चावल बनाऊँगी। चावल गरम गरम होना चाहिए, दाल सब्जी ठंडा हो तो कोई बात नहीं। बस ये दाल भी गरम हो, अभी बंद करके आई हूँ और सब्जी मेरा पहले से बना हुआ है। ठीक है चलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे या फिर सीधे शाम में मिलेंगे। शाम में तो सोच रही हूँ कुछ अलग बनाने का, दाल मैंने भिगोया है, देखती हूँ बन पाएगा कि नहीं। ठीक है, क्या ठंड का मौसम यही सब अच्छा लगता है। गर्मी में तो कुछ आदमी जल्दी से नहीं खा सकता, पर ठंड के मौसम में मन करता है खाने का तो बना लेते हैं। चलते हैं ठीक है। बन मैंने दाल भिगोया था पकौड़ी बनाने के लिए, यहाँ देखिए मेरा पकौड़ी का प्लान कैंसिल हो गया। अभी बनेगा खिचड़ी, खिचड़ी इसलिए बनेगा कि दाल भी मेरा काम आ जाएगा। आधा दाल मैंने दे दिया है दीदी को, आधा का मैं खिचड़ी बना लूँगी, क्या है कि मेरे यहाँ पेट ख़राब है इसीलिए मैं पकौड़ी नहीं बनाऊँगी। क्या जब बनाऊँगी तो सब कोई खाएँगे, पकौड़ी खाएँगे तो पेट ख़राब हो जाएगा तो और ज़्यादा समस्या होगा, इसलिए मैं खिचड़ी बना लूँगी। खिचड़ी वही है सब्ज़ी वाला बनाऊँगी, पर सब्ज़ी मसाला पीस के वो नहीं डालूँगी, जैसे आलू गोभी डाल दूँगी, गाजर रखा हुआ सब्ज़ी सब डालूँगी, प्याज डालूँगी, वही पीस के नहीं डालूँगी। पीस के डालने से ज़्यादा मसाला होता है, काट के डालने से कम मसाला होता है। तो सब्ज़ी वाला खिचड़ी बनाऊँगी तो वो भी सब कोई खा लेगा खुश होकर, दाल भी मेरा काम आ जाएगा। पर यही पकौड़ी का प्लान था वो कैंसिल हो गया, पर बच्चों खुश करने के लिए सोचती हूँ चिप्स निकाल दूँगी, चिप्स रखा हुआ है, बनाती हूँ। 6:30 बज रहा होगा, वही मेरा काम शुरू रहता है। ठीक है मैंने खिचड़ी बनाई है, उसी के इंतज़ार में मेरा बच्चा देखिए कितना बेसब्री से खड़ा हुआ है। कुकर खुलने का इसको है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कितना जल्दी, अभी भी इसमें सीटी भरा हुआ है। कम से कम आधा घंटा से मुझे भी यहाँ खड़ा करके रखा, अपने भी खड़ा रहा। खिचड़ी भी इतना पसंद आता है बच्चों को, आप भी एक बार बना के ट्राई करिएगा, आपके बच्चे भी ऐसे ही पसंद करेंगे। कच्ची दे दीजिए इसको, कच्ची खा लेगा। आप भी एक बार ट्राई करिए, आपके बच्चे भी ऐसे ही पसंद करेंगे। अभी आपको भी दिखाती हूँ खोल के कैसा बना है। यहाँ देखिए बहुत देर बाद इसका गैस निकला है, तो मैंने कुकर खोल दिया है, खिचड़ी मेरा बन गया है। यही है कि ज़्यादा हो गया थोड़ा, क्या कि दाल था ज़्यादा तो उसमें चावल तो उतना डालना ही था, जितना दाल है उतना चावल, तो खिचड़ी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया। पर यही सुबह काम में आ जाएगा, इसका मैं कोई और काम ले लूँगी। अच्छा लगता है खाने में, इसमें सब्जी सब डला हुआ ना तो बच्चे खुश होकर खाते हैं। मेरे यहाँ तो बच्चे खुश होकर खाते हैं, आप देखा भी है कितना देर से बेचैन था खड़ा होके, सब कोई खा लेता है। बन गई मेरी खिचड़ी, दे दिया मैंने दोनों को। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी लगा के रखा था दोनों, बहुत ज़्यादा मैंने सीटी बीच में निकाल के फिर दिया है खिचड़ी। अभी वापस कुकर को ढक दिया है, मम्मी को भी दे दिया है, दोनों को दे दिया है, दोनों खा रहा है। अगर आपको वीडियो का एंड करना है तो कर देती हूँ, क्या कि बाद में मैं भूल जाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप भी एक बार ट्राई करिएगा ये वाला खिचड़ी बना के, मैंने एक बार पहले रेसिपी इसका शेयर किया, अभी तो रेसिपी नहीं शेयर किया, आप बोलिएगा तो मैं फिर से कर दूँगी। पर बहुत पसंद करके बच्चे खाते हैं, फ़ायदा का चीज़ है खिचड़ी, सब्जी इसमें हो जाता है तो अच्छा रहता है। ठीक है बाय बाय, गुड नाइट।